हेलो जी, जिन्हें भी सामने देख रहे हैं सबनों प्यार सत श्रीकाल नमस्कार दुआ सलाम। मैं थोड़ा अपना बब्बू संधू लेके नवी वीडियो। सो गाइस, आज हमारा डे फोर्थ इन जम्मू, जो डे फोर्थ है हमारा वापस दिल्ली जाने के लिए। अभी करीब टाइम हो गया पाजी, 1:15 हो गए होंगे। डे फोर्थ नहीं है, डे फोर्थ ही है पाजी। डे थ्री है पाजी, वो तो आधा दिन था ना हमारा, वो नाइट थी ना, वो नाइट थी। ओके जी, डे थ्री है पाजी की बात हम मान लेते हैं। तो आज का प्लान हमारा ऐसा है, हम जा रहे हैं वापस, इलायची खाई थी हाँ स्वाद आ गया। तो आज का प्लान हमारा ऐसा था, हम जा रहे हैं वापस दिल्ली के लिए। अभी करीब हमारी 11:10 की फ्लाइट है, तो सीधा हम मिलेंगे अभी रेस्टोरेंट में, उसके बाद मिलेंगे हम दिल्ली में। बीच में देख लेंगे गाड़ी गुड़ी में मिल जाए तो भाई हमारी किस्मत है, तुम्हारी नहीं है। तो मिलते हैं जल्दी ही, कहाँ पे? फ्लाइट में। फ्लाइट में। और भाई थोड़ा बहुत सपोर्ट करो मेरे को और पाजी को, तो बहुत ज्यादा करो। सुबह 6-6 बजे तक एडिटिंग कर रहे हैं भाई, बड़े लंबे लंबे काम है इनके, मतलब कि एडिटिंग में इतनी मेहनत लगा रहे, 6-6 घंटे लगा रहे। तो प्लीज सपोर्ट करो यार, आपको नहीं पता नहीं कैमरे नहीं के यार, पूछिए। यूट्यूब पे नहीं नहीं है तो उठाओगे तो हम और आगे तक जाएंगे, नहीं उठाओगे तो वही रह जाएंगे, बैठे रह जाएंगे। बहुत मेहनत लगती है भाई, सिर्फ आपको लगता है 10 मिनट की वीडियो, 10 मिनट की वीडियो लगाने के लिए हमारा पूरा दिन लगता है। उसके बाद एडिटिंग होती है, फिर अपलोडिंग, ये वो, मतलब काफी लंबा प्रोसेस होता है। तो प्लीज आप लोग ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो, ऐसे ही प्यार देते रहो, तो हम आगे आपके लिए और नए नए कंटेंट लाते रहेंगे। तो मिलते हैं जल्दी ही मैंने डिम्पी पाजी को बोल रहा हूँ, मान रहे परौंठे पे परौंठे पहले ही जा रहे हैं, कह रहे दो चार और ले आओ पाजी। देखो मैंने कुछ भी नहीं खाया, मेरा एरिया बिल्कुल खाली है, वो देखने के लिए मेरे ब्लॉग में आना पड़ेगा। चलो भैया इनके ब्लॉग में जाके देख लेना। तो ब्रेकफास्ट हमारा हो गया, गोभी के परौंठे खाए मैंने, स्वाद थे बहुत बढ़िया थे, ब्रेकफास्ट बहुत बढ़िया था, ऑसम था। तो देन अभी हमारी फ्लाइट है वापस दिल्ली के लिए, तो यहाँ से निकल रहे हैं। सब लोग पाजी हमारा वेट कर रहे हैं बाहर, थोड़ा सा लेट हो गए वो आने में, हम नहीं लेट हुए हमने टाइम पे, क्यों पाजी? बिल्कुल। तो कटआउट लेके आते ऊपर से लगेज, देन निकलते हैं यहाँ से, चेकअप करते हैं, आपको मिलते सीधा एयरपोर्ट पे जाकर। ये अब टाइम है हमारा यहाँ से निकलने का, हम उठा रहे हैं अपना लगेज एंड निकलने लगे यहाँ से। पहले मैं उठा लूँ अपना हेलमेट, पहले मैं ये खा लूँ। चलो चलते हैं हम यहाँ से हम एयरपोर्ट के लिए, लगेज हमारा सेट है सारा, तो निकले क्योंकि पहले ही ऑलरेडी लेट चल रहे हैं। चल के हम जल्दी करें तैयारी, अभी बोर्डिंग भी लेना, सब कुछ लेना, तो चल के फटाफट से करते हैं और मिलते हैं आपको एयरपोर्ट। तो अभी हूँ मैं जम्मू एयरपोर्ट पे भाई, आते हुए मेरे साथ ये सीन हुआ, अभी जाते हुए बहुत गलत बहुत बेकार एक्सपीरियंस रहा मेरा गो फर्स्ट के साथ। मतलब कि इनका ऑनलाइन लॉगिन जो कभी पोर्टल चलता नहीं है, आके इनको 200 रुपये का पहले मथा टेको हर बारी, मतलब कि बदमाशी है। 450 रुपये से इनका, 4,500 की टिकट से इनका पेट नहीं भरता, 200 रुपये इनको एक्स्ट्रा हर बारी लेने ही लेने होते हैं। तो भाई मेरी तरफ से मैं कहता हूँ कभी भी गो फर्स्ट की फ्लाइट में ना आए, मैं यही सजेस्ट करूँ। लगे इनको रास्ता नहीं मिल रहा, देखो ना इधर करे, इधर भी गए, इधर भी गए, आगे डंडे इनको रोक लिया। अच्छे नहीं कि इमिग्रेशन क्लियर नहीं, तभी इनको रोक लिया यहाँ पे ना। ये है गो फर्स्ट की बदकिस्मती से मेरी फ्लाइट, सबसे बड़ा और बेकार एक्सपीरियंस रहा मेरा गो फर्स्ट के साथ। अभी यहाँ पे सड़ा हुआ जहाज लगेगा गो फर्स्ट का, जिसमें मैं जाना पसंद नहीं कर रहा, मेरा खून चढ़ा हुआ है। लाइफ में दोबारा कभी मैं गो फर्स्ट की टिकट नहीं कर रहा हूँ, जितना इनके साथ मेरा बेकार एक्सपीरियंस रहा है। मतलब कि हर बारी 400 रुपये तो इनको यार, सारा कुछ बंदे की ज्यादा पैसे की वैल्यू नहीं है, इनकी वेबसाइट इनकी नहीं चलती, क्रैश इनकी वेबसाइट है, ऊपर से दो शबे, ये तो सरकारी महकमे वाला काम हो गया, एयर इंडिया भी इतना दलील नहीं करती जितना ये कर रहे हैं। तो इसलिए दोबारा गो फर्स्ट में कभी नहीं आना भाई, मेरी राय यही है। तो चलो इसमें बैठ जाएंगे स्पाइस जेट में, स्पाइस जेट की फ्लाइट में जा रहा हूँ, डिब्बी भाई से बात करते हैं इनके ब्लॉग में आना। फाइनली 3-4 दिन के ट्रैवल के बाद पहुंच के हम दिल्ली अभी हैं एयरपोर्ट पे, अपने लगेज का कर रहे हैं वेट, यहाँ पे पीछे लगेज आता, तो लगेज आने के बाद हम चलेंगे अपने घर की तरफ। देखते हैं, मैं सोच रहा हूँ वैसे मेट्रो में चलते हैं कि मेट्रो सीधा इजीएस्ट वे है जाने के लिए। तो बाहर देखता हूँ मेट्रो स्टेशन कहाँ पे है, तो मेट्रो स्टेशन पे चल के फिर वहाँ से निकलेंगे प्रीतवार के लिए, अपने घर के लिए मेट्रो लेंगे, देन घर पहुँच जाएंगे। पहुँच के फिर देखते हैं आगे का शेड्यूल क्या रहेगा हमारा, अभी वीडियो एंड नहीं होगी, शाम को भी सपना ब्लॉक करते हैं, ब्लॉक कर देंगे बस, शाम करेंगे एंड।
कुछ ना कुछ और एक्सप्लोर करते हैं दिल्ली जाके। वो मेट्रो जाएगी नई दिल्ली से राजीव चौक, राजीव चौक से फिर जाएंगे हम प्रीतवार मेट्रो दोबारा चेंज करके, मतलब कि मेट्रो चेंज करनी है, मैं आज कोई काम नहीं है तो चलते हैं घर। फाइनली गाइस 4 दिन बाद आज वापस मैं अपने घर आया हूँ। तो अशु जी थोड़ा दिल लग, ओ भाई एक तो ये ठीक रहा तो अशु जी थोड़ा दिल लग गया कि नहीं लग गया मेरे को? नहीं लग गया दिल, क्यों मैंने मिस कर रहे थी? अच्छा हर ना सब लोग हेलो कर दो, हेलो कर दो, अच्छा टाटा कर दो, टाटा चाची काल नहीं कर नहीं भाई एक बार ही कर दे सत श्रीकाल। अभी उसका दोबारा मूड नहीं, वो कह रहा है कि मेरे को बाहर लेके चलो, मैं बिल्कुल भाई घूमने के मूड में, मेरे को बार बार धक्का मार रहा है कि बाहर लेके चलो बाहर लेके चलो। तो हम दोनों आ चुके हैं वापस। छोटा वाला तो भाई मेरा रो रहा था बहुत ज्यादा, हर दम बहुत रोता है ना। चलो कोई गल, छोटा है ना, जो छोटी भी छोटे से तुम भी इधर रोते होंगे सी। असि वीडियो एंड कर दिए, चलो वीडियो एंड कर दे। चलो भाई अब वीडियो एंड करने का टाइम आ चुका है, तो मिलते हैं जल्दी अगले ब्लॉग में। उससे पहले वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को क्या करना है, शेयर करना। क्या आप आगे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को शेयर करना नहीं भूलना, बोल दो एक बारी। अच्छा बोलो, पापा की वीडियो को लाइक करना नहीं करना। अच्छा भाई, अच्छा एक बारी बोल दो, पापा की वीडियो को लाइक कर दो, बोलो पापा की वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को क्या करना है सब्सक्राइब, और वीडियो को शेयर कर दो। तो हम ऐसे ही रोज आपसे मिलते रहेंगे, आपसे प्यार लेते रहेंगे, आप प्यार देते रहना। तो मिलते हैं जल्दी ही अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड सत श्री अकाल।